राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस बैठक में हैं शामिल। जम्मू कश्मीर के शोपिया और पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकवादी मार गिराए। अवंतीपुरा में आतंकी एक मस्जिद में छिपकर बैठे थे। सुरक्षा बलों ने धार्मिक स्थल की पवित्रता बनाए रखते हुए आतंकियों को मार गिराया। योगी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ना मूल्य का भुगतान किया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गन्ना किसानों को 418 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हवाई अड्डे की तर्ज पर यात्रियों को स्टेशन पर प्रवेश देने के लिए बोर्डिंग पास जारी कर रहा है। यह अपनी तरह का रेलवे स्टेशन पर पहला प्रयोग है। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत चीन सीमा स्थिति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे से शुरू हुई इस बैठक में देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल हुए हैं। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष वर्चुअल तरीके से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े हैं। बैठक में लद्दाख से लगी चीन की सीमा पर स्थिति और खास तौर से गलवान वैली में वर्तमान स्थिति की चर्चा की जा रही है। गलवान घाटी में 15-16 जून के बीच की रात भारतीय सेना के 20 जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने चीन की सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी, जिसमें भारी संख्या में उनके जवान भी मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है कि शहीद सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन को सख्त संदेश देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत को उकसाने पर हर हाल में निर्णायक जवाब भी दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिया है कि भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में सक्षम है। बैठक में प्रधानमंत्री इस बड़े मुद्दे पर न सिर्फ राजनीतिक दलों को जानकारी दे रहे हैं, बल्कि साथ ही आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 पंथी आचार्य पंत श्री महाप्रज्ञ की जन्म शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषा में आचार्य श्री के जीवन से शिक्षा लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हम सबको एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ अर्थव्यवस्था का मंत्र दिया। आज की परिस्थिति में उनका ये मंत्र हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। पीएम ने विश्वास जताया कि समाज और राष्ट्र का आदर्श हमारे ऋषियों, संत महात्माओं ने रखी है। हमारा देश जल्द ही उस संकल्प को सिद्ध करेगा। उनका ये मंत्र था स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ अर्थव्यवस्था। आज की परिस्थिति में उनका ये मंत्र हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज देश इसी मंत्र के साथ, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है जिस समाज और राष्ट्र का आदर्श हमारे ऋषियों, संत आत्माओं ने हमारे सामने रखा है, हमारा देश जल्द ही उस संकल्प को सिद्ध करेगा। आप सब उस सपने को साकार करेंगे। जम्मू कश्मीर में शोपिया और पुलवामा में अलग अलग आतंकी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 8 आतंकवादियों को मार गिराया है। अवंतीपुरा में कल से आतंकी एक मस्जिद में छिपकर बैठे हुए थे। धार्मिक स्थल की पवित्रता को बरकरार रखते हुए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह से फायरिंग और विस्फोटकों का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए गए। इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं दूसरी ओर शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कल से शुरू हुए एनकाउंटर में 5 आतंकी मारे जा चुके हैं। वहीं सेना का एक जवान भी जख्मी हो गया है। घायल जवान को श्रीनगर में सेना के बेस अस्पताल को रेफर कर दिया गया है। देश भर में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। देश में रिकवरी दर 53.79% से भी अधिक हो चुकी है। वहीं अब तक 3,80,532 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। वायरस की चपेट में आने से अब तक 12,573 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक कोरोना वायरस के 2,04,710 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव केस 1,63,248 हैं। देश में हर दिन आ रहे तेजी से कोरोना मामलों के बीच भारत ने अपनी टेस्टिंग की क्षमता भी बढ़ा दी है।
राजधानी दिल्ली को कोरोना महामारी के संकट से निकालने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ बड़ी बैठकें कर रहे हैं बल्कि कई अहम फैसले भी ले रहे हैं। गृह मंत्री के निर्देश पर दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। 242 कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर 2,30,000 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे किया गया। इसके साथ ही टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। कल 193 टेस्टिंग सेंटरों पर 7,000 से भी ज्यादा लोगों का इस विधि से टेस्ट किया गया। उधर टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के गृह मंत्री के निर्देशों का असर भी दिल्ली में दिख रहा है। यहां 15 से 17 जून के बीच यानी 3 दिन में 27,000 से ज्यादा टेस्ट हुए जबकि पहले प्रतिदिन 4,000 से लेकर 4,500 ही टेस्ट हो पा रहे थे। आने वाले दिनों में टेस्टिंग की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज का रेट भी काफी कम किया गया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण मामलों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। तमाम उपायों के बाद भी विश्व में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 84,89,000 के पार जा चुका है। इसके साथ ही दुनिया भर में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 4,54,000 से ऊपर चली गई है। इस महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,91,000 से ज्यादा हो चुकी है और 1,18,000 से भी ज्यादा लोगों की इस वायरस के संक्रमण से मौत हो गई है। कैलिफोर्निया में अब नए आदेशों के तहत लोगों को घर से बाहर निकलते वक्त हर समय मास्क लगाना जरूरी होगा। बड़ी संख्या लोगों द्वारा बिना मास्क के घूमने के मामलों को देखते हुए ये नए और सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। लिहाजा लोग घर से बाहर कुछ खाते वक्त ही अपना मास्क हटा सकेंगे। अमेरिका के बाद ब्राजील और रूस ने इस वायरस का कहर बरपाया है। ब्राजील में जहां इस वक्त कोरोना से 9,78,000 लोग संक्रमित हैं वहीं देश में 47,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रूस में 5,07,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 7,650 लोगों की इस वायरस के कारण मौत हो चुकी है। रूस में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक कोरोना के असर को कम करने वाली वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया गया है। 2 हफ्तों के आइसोलेशन के बाद 18 वॉलंटियर इस वैक्सीन के परीक्षण के लिए आगे आए हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को 418 करोड़ का भुगतान किया। इसके साथ ही 3 वर्षों में 1,325 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान योगी सरकार ने किया है। किसी भी सरकार ने इतना भुगतान अपने 5 साल के कार्यकाल में भी नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गन्ना किसानों के हितों के संरक्षण को लेकर शुरू से ही प्रतिबद्ध रहे हैं। 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में 19 चीनी मिलें बंद हुई थी जबकि 2012 से 2017 तक 10 मिलें बंद हुई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 साल में 1.5 दर्जन से ज्यादा मिलों की क्षमता वृद्धि की, पुरानी मिलों को चालू कराया और नई मिलों का संचालन किया। गन्ना किसानों का अब तक का सर्वाधिक भुगतान समय पर करने का रिकॉर्ड भी सरकार के नाम है। प्रदेश में 48 लाख गन्ना किसान हैं। इनके हितों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान भी 121 चीनी मिलें प्रदेश में चलती रहीं। हर मिल से 25,000 से 40,000 किसान जुड़े हुए हैं। हर मिल 8,000 से 10,000 लोगों को रोजगार देती है। लॉकडाउन के दौरान इन मिलों के चलते रहने से इनकी आजीविका में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। इसका नतीजा है कि इस समय उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। मिल और डिस्टिलरीज ने प्रतिदिन 5 लाख लीटर सैनिटाइजर बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है। आज 28 अन्य राज्यों को दूसरे देशों को भी सैनिटाइजर की आपूर्ति की जा रही है। पच्चीस फीसदी चीनी मिलें बंद हो गई थी पहले ही, यानी कोरोना के पहले ही बंद हो गई थी और कोरोना के कालखंड में भी बहुत कम चीनी मिलें चल पाई थी, लेकिन प्रदेश के अंदर हमारे गन्ना विभाग ने सभी 119 चीनी मिलों को चलाया। हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जब तक गन्ना किसान के खेत में एक भी गन्ना रहेगा तब तक चीनी मिल चलेगी और उस संकल्प को भी पूरा किया और आज यह भी तय करने का कार्य कि हमने गन्ना पेराई का कार्य कर लिया है। गन्ना पेराई के साथ अब गन्ना मूल्य का भुगतान भी होना है, यह भी हम करने की दिशा में बढ़े हैं। मुझे लगता है कि हम लोग 1,05,000 करोड़ के आसपास गन्ना मूल्य का भुगतान करने जा रहे हैं।
अब कुल 15,000 करोड़ रुपए बाकी रहेगा, ये भी हम अगले कुछ महीनों के अंदर इस गन्ना मूल्य का भुगतान करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने उत्तर प्रदेश को अपने परिश्रम से फिर से नंबर एक स्थान पर पहुंचा दिया, गन्ना उत्पादन में भी और चीनी उत्पादन में भी। आज का दिन बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि लगातार जिन किसानों की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, आज उन किसानों के खाते में योगी सरकार के कार्यकाल में 1,00,000 करोड़ रुपए जाने का जो कीर्तिमान स्थापित हुआ है, ये एक ऐतिहासिक दिन आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, मुझे याद है कि पिछले 5 सालों का भुगतान उस समय बकाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार मुख्यमंत्री जी ने इसको फोकस किया, मीटिंग की, मॉनिटरिंग की, माइन्यूटली इसको लिया, और उसी का परिणाम है कि पिछले 5 सालों का भुगतान तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। और भुगतान हुआ तो गन्ना किसानों के अंदर एक उत्साह पैदा हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आपने पहले दिन से फोकस किया है कि किसान को तकनीक के साथ जोड़ना है, तो आप ही के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान ने बहुत तेजी के साथ अपने आप को तकनीक के साथ जोड़ा। उसके अंदर एक उत्साह का जब संचार हुआ तो जहां गन्ने के क्षेत्रफल में उसने भारी वृद्धि की, 20,00,000 हेक्टेयर से लेकर के 27,00,000 हेक्टेयर आज गन्ने का क्षेत्रफल है, वहीं उसके प्रोडक्शन में भी, उत्पादकता में भी भारी बढ़ोतरी हुई। अपर मुख्य सचिव सूचना गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के आपदा काल में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संसाधनों के सर्वाधिक उपयोग के दृष्टिगत 108-102 ALS, निजी नर्सिंग होम की एम्बुलेंस सहित सभी तरह की एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त की जाए। एम्बुलेंस के कार्मिकों के लिए अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर, PPE किट, N95 मास्क तथा ग्लव्स आदि की व्यवस्था की जाए। यह सुनिश्चित भी किया जाए कि एम्बुलेंस सेवा का रिस्पांस टाइम 10 मिनट से अधिक न हो। श्री अवस्थी ने कहा कि टेस्टिंग क्षमता में सतत वृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जनपद में एक टेस्टिंग लैब की स्थापना का कार्य तेजी से पूरा किया जाए। महाजून 2020 के अंत तक सभी मेडिकल कॉलेज तथा मंडलीय चिकित्सालयों में लेवल 2 स्तर की टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए। इस संबंध में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि L1 तथा L2 कोविड अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार आयुष चिकित्सकों की सेवाएं भी प्राप्त की जाएं। जो भी सर्वाधिक संसाधन एम्बुलेंसेस के लिए हैं, उनका उपयोग हो। डायल 108, डायल 102, नर्सिंग होम्स की एम्बुलेंसेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की एम्बुलेंसेस, इनकी पूरी व्यवस्था दुरुस्त चिकित्सा विभाग रखे। इन एम्बुलेंसेस के लिए जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको मजबूती से सुनिश्चित किया जाए, और साथ ही साथ एम्बुलेंस के कर्मियों को भी सुरक्षित रखने के लिए PPE किट, मास्क, सैनिटाइजर और अन्य जो भी सुरक्षा के उपकरण हैं वो व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि जहां भी प्रदेश में एम्बुलेंस की व्यवस्था है वो समय से पहुंचना चाहिए, समय के पहले पहुंचना चाहिए। ये ना हो कि किसी भी कारण से कोई भी मरीज, चाहे वो कोविड पेशेंट हो, चाहे नॉन कोविड पेशेंट हो, या जो भी इमरजेंसी का मरीज हो, वो देर से अस्पताल में पहुंचे। मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः, चूंकि एक मुद्दा टेस्टिंग का है, आज पुनः मुख्यमंत्री जी ने टेस्टिंग के बारे में डिटेल समीक्षा की है। आप सबको मालूम है कि निरंतर बल देने के पर और निरंतर कार्रवाई करने पर जो भी टेस्टिंग की व्यवस्था है वो एक साथ इम्प्रूव करती जा रही है, और आज यानी कल पूरे दिन में 17,221 टेस्ट चिकित्सा विभाग ने और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किए हैं। ये एक बड़ा काम है टेस्टिंग को बढ़ाना। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि अब टेस्टिंग की व्यवस्था जहां 20,000 और फिर उसके बाद 25,000 की जा रही थी, ये भी आदेश दिया है कि हर जिले में टेस्टिंग की व्यवस्था हो, जिससे कि किसी भी जिले में किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य जनपद में जाना ना पड़े। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में समय कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की कुल संख्या
6092 है। 9995 मरीज पूर्णतया उपचारित होकर घर जा चुके हैं। अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 507 मरीजों की मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा कि आइसोलेशन वार्ड में इस समय 6095 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं और फैसिलिटी क्वारंटाइन में 7378 लोगों को रखकर उनके सैंपल की जांच की जा रही है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 6092 और जो मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 9995 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में से कुल 507 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड में इस समय 6095 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं और फैसिलिटी क्वारंटाइन में 7378 लोगों को रखकर उनके सैंपल की जांच की जा रही है। कल प्रदेश में सैंपलिंग की संख्या एक बार फिर से बढ़ी और ये 17000 पार हो गई। कल प्रदेश में कुल 17221 सैंपल्स की जांच हुई और प्रदेश में अब तक 5,32,505 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल सैंपलिंग के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 1229 पूल लगाए गए जिनमें 167 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 110 पूल लगाए गए जिनमें 24 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु ऐप में जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुआ है उनमें से अब तक हम 86,889 लोगों को कॉल कर चुके हैं और उन्हें सावधान कर चुके हैं कि आप किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के नजदीक आए हैं, इसलिए आप अपना ध्यान रखें। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम फिलहाल टल गया है। इस आशय का निर्णय भारत चीन सीमा पर तनाव के चलते राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लिया और सीमा पर शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी, जिसमें परमात्मा से सभी वीर शहीदों को अपने निज धाम में निवास देने की प्रार्थना भी की गई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि देश की सुरक्षा हम सबके लिए सर्वोपरि है। पहले 2 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन निर्धारित किया गया था। अब भूमि पूजन की तिथि देश काल की परिस्थिति को देखकर घोषित की जाएगी। ट्रस्ट महासचिव ने यह भी जानकारी दी कि कल शाम प्रदेश के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने विराजमान रामलला स्थल पर पहुंचकर आरती में भाग लिया और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के वेबसाइट का शुभारंभ भी किया, जिससे अब भक्त घर बैठे रामलला का दर्शन पूजन कर सकेंगे, साथ ही पल पल की धार्मिक गतिविधियों का साक्षात्कार कर सकेंगे। देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जैसा उपयुक्त समय होगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के प्रारंभ के संबंध में आपको अधिकृत सूचना हमारी वेबसाइट और ईमेल से प्राप्त होगी। लखनऊ के चिन्हट ब्लॉक में आज प्रवासी कामगार श्रमिकों के लिए रोजगार प्रशिक्षण के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। चिन्हट ब्लॉक के लोलाई गांव में आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को 10 दिन के रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्वावलंबन से सशक्तिकरण के रास्ते पर ले जाने वाली इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में काम कर रही महिलाओं को अपने जीवन की नई दिशा और भविष्य की नई रोशनी दिखाई पड़ी। लखनऊ के चिन्हट ब्लॉक में हुनर और कौशल के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। यहाँ पर वो प्रवासी जो काम छोड़कर कोरोना संक्रमण के बीच अपने घर वापस लौटे हैं उन्हें प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई है। यहाँ पर यहाँ ललोई ग्राम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पीछे ये सब ढेर सारे लोग आए हुए हैं, ये महिलाएँ आई हुई हैं स्वयं सहायता समूह से। आजीविका मिशन के तहत इनको ट्रेनिंग दी जा रही है और पूरे लखनऊ में इस तरीके के जगह जगह प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। जो प्रवासी कामगार मजदूर लखनऊ आए हुए हैं उनको चिन्हित कर उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर डीसी साहब मौजूद हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से आपका ये कार्यक्रम है, आप लोग क्या कर रहे हैं। ये
कौशल विकास मिशन की तरफ से सिलाई का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। इस गांव में 45 परिवार बाहर से आए इस कोरोना संक्रमण के दौरान में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी परिवार बाहर से आए, कामगार बाहर से आए हैं, उनके परिवारों में चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर वो किसी तरह का प्रशिक्षण लेकर के अपनी आजीविका सुदृढ़ करना चाहते हैं तो उनको प्रशिक्षणों से जोड़ा जाए। तो इस क्रम में इस गांव में जो 45 परिवार आए हैं, उनमें हम 24 परिवारों को अब तक समूह से जोड़ चुके हैं, और आज जो 25 परिवारों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है दीदियों का, इनमें 17 परिवार उन प्रवासी जो कामगार श्रमिक हैं उनके परिवार से हैं। ये ट्रेनिंग परमानेंट जो हो रही है, ये गवर्नमेंट मेकिंग के लिए हो रही है, ताकि ये कुशल टेलर के रूप में अपने को इस्टेब्लिश करें। मैं ये कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, अगर आप हुनरमंद हैं और अच्छा कौशल आपके भीतर है, हर कोई आपको ढूंढता है, आपकी वैल्यू होती है। जितना वैल्यूएशन इनके भीतर होगा, जितना अच्छा अपना काम बेहतर ढंग से कर पाएंगी, हर कोई तो सिलाई की बात आएगी, इन्होंने कहा ये दीदी अच्छा काम करती है, हम कपड़ा इनसे सिलवाएंगे, तो इनका जो हुनर है यही इनका प्रमाण है। हुनर ही पहचान बनेगी इन लोगों की, और इनको सिलाई कढ़ाई के साथ साथ अचार पापड़ बनाने के साथ साथ मशरूम उगाने की भी ट्रेनिंग देने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। देखिए, इनके चिन्हांकन के लिए प्रॉपर सर्वे किया जाता है, जैसे जो हमारी निगरानी समिति थी उन्होंने प्रॉपर लिस्ट बनाई थी कि कितने लोग बाहर से आए थे। उन बाहर से आने वाली समिति जब रेगुलर मीटिंग होने लगी तो हमारी जो समूह सखी हैं वो उन परिवारों से जाके मिली और उन्हें बताया कि हमारे यहाँ ऐसा ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, और उन्हें मोटिवेट किया। फिर हम लोग भी यहाँ आते हैं, लोगों से बात करते हैं, और उसके बाद उन लोगों को जब मोटिवेट किया गया तो वो खुद सामने से आए कि हाँ मैडम, हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग आप करवा दीजिए। इसमें से जो हमारी 17 दीदियाँ जो चयन की गई हैं, इन्होंने स्वेच्छा से कहा कि हम सिलाई कटाई का हम काम करना चाहते हैं। अब जुलाई में हमको ड्रेस देना है, हमारे पास इस समय मास्क की जो है सबसे ज़्यादा जो है डिमांड आ रही है, तो इन दीदियों ने कहा कि हम काम करेंगे, बस थोड़ा सा हमें एक प्रशिक्षण दे दीजिए, और वो हम लोगों ने शुरू कराया। और आज लौलाई ग्राम पंचायत विकासखंड चिन्हट लखनऊ में हम लोगों ने इसकी शुरुआत करा दी है। इसलिए आए हैं कि मेरा बेटा गया था बाहर, अब वो लॉकडाउन में आया है, फंसा हुआ है, तो कोई काम धंधा है ही नहीं, तो हम लोग चाहते हैं हम लोग खुद अपना कोई काम सीखें जिससे जो है घर का फर्क चले। हम गोंडा से आए हैं, रहते यहीं पे थे, लेकिन अभी इस तरह लॉकडाउन चला है तो बहुत दिक्कत आई है, तभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो सबका सपोर्ट मिलेगा, कुछ हमारा भी हुनर रहेगा। मुझे खुद इसमें जुड़ करके रास्ता मिला है, मेरे पास भी आजीविका के लिए कोई साधन नहीं था, और जब मैं इसमें जुड़ी और समूह सखी के लिए मैं चयन की गई और मुझे ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे परिवारों को गरीबों को जोड़ना है और इसमें जोड़ करके कैसे आप रोजगार दे सकती हैं। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, ऐसी ही कहानी यहाँ पर लखनऊ में दिख रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़कर जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं उनको स्वावलंबन की नई राह दिखाई जा रही है, और निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बनने में इन महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज लखनऊ। लॉकडाउन के बाद अपने घरों को वापस लौटे मजदूरों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से बरेली में शहरी आजीविका केंद्र की शुरुआत की गई, जहां मजदूरों को उनके हुनर के अनुसार रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने शहरी आजीविका पोर्टल लॉन्च किया, जिस पोर्टल पर मजदूर, इलेक्ट्रिक ड्राइवर, मैकेनिक जैसे हाथ का हुनर रखने वाले लोग अपना पंजीकरण करा सकेंगे। जिला प्रशासन रोजगारदाता और मजदूरों के बीच ब्रिज की भूमिका निभाएगा। जिला प्रशासन काम मांगने वालों और नियुक्ता को मिलवाने का काम करेगा। जिला प्रशासन द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं, जिसमें मजदूरों और उद्यमियों को जोड़ा गया है, जिससे लोगों को आसानी हो सके। उद्देश्य है कि जो भी अनस्किल्ड और स्किल्ड श्रमिक हैं या सेमी स्किल्ड श्रमिक हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और वो जो कार्य करने के इच्छुक हैं और ग्राहक के फ़ोन करने पे वो संबंधित जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इसके माध्यम से बता दिया जाएगा, और उसके माध्यम से वो उनके घर पर जाकर सर्विस दे सकते हैं। इससे एक प्लेटफॉर्म बन रहा है कि दो साइड प्लेटफॉर्म बन रहा है कि ग्राहक को जो आवश्यकता है सर्विसेज की और जो प्रोफेशनल्स जो सर्विसेज देना चाह रहे हैं, दोनों का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा, और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को सस्ती सेवाएं मिलेगी और ऑथेंटिक सेवाएं मिलेगी। सीतापुर से हजारों मजदूरों को लेकर सीतापुर जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए शाम को रवाना हुई। ट्रेन में 1740 व्यस्क स्त्री पुरुष और 300 से अधिक बच्चे हैं।
ये सभी सीतापुर में स्थित ईंट भट्टों पर मजदूरी का काम करते थे। मानसून के सीजन में भट्टा उद्योग बंद होने और लॉकडाउन में कोई अन्य रोजगार न मिलने के कारण ये सभी मजदूर बिहार के लिए रवाना हुए। सीतापुर ईंट भट्टा एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर एक स्पेशल श्रमिक ट्रेन उपलब्ध कराए जाने की मांग की थी। एसोसिएशन की मांग और जिला प्रशासन के सहयोग से रेल मंत्रालय ने दो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को सीतापुर जंक्शन से चलाए जाने की स्वीकृति जिला प्रशासन को भेजी थी। ईंट भट्टा एसोसिएशन के शैलेश जौवरानी ने बताया कि उनके संघ द्वारा ट्रेन के लिए 7.5 लाख का भुगतान रेलवे को किया गया है। आज सीतापुर स्टेशन से 1750 प्रवासी श्रमिक नवादा बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जा रहे हैं और इन श्रमिकों को हमने यहां प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सबको ट्रेन में बैठाया है और एक एक श्रमिक को हमने खाना पानी की बोतल और सैनिटाइजर सब उपलब्ध कराया है। ये सब प्रोग्राम जो है हमारी जिला ईंट उद्योग समिति की तरफ से किया जा रहा है और इस श्रमिकों के घर जाने का जो पूरा खर्चा है लगभग 8 लाख रुपये पूरी ट्रेन का, वो जिला ईंट उद्योग समिति ने ही वहन किया है और उम्मीद करता हूँ कि ये श्रमिक सकुशल अपने घर। मेरठ मेडिकल कॉलेज में जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का दिन रात इलाज किया जा रहा है, वहीं अन्य मरीजों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए लाला लाजपत राय मेरठ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने मिलकर ई रिक्शा एम्बुलेंस बनवाई है, जिससे सामान्य मरीजों को मेरठ मेडिकल कॉलेज में कोई परेशानी ना हो ये एम्बुलेंस ई रिक्शा पर बनाई गई है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर दवाइयों के साथ साथ मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके। मेरठ मेडिकल कॉलेज में एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराने के बाद इमरजेंसी व वार्ड में इस ई रिक्शा एम्बुलेंस के माध्यम से आसानी से पहुंचाया जा रहा है, जिससे मरीज को परेशानी ना हो। हमारे यहाँ इमरजेंसी से जो जांचें होती हैं, सीटी एमआरआई होता है, उसकी दूरी काफ़ी है, या जो पेशेंट यहाँ से इमरजेंसी से किसी वार्ड में शिफ्ट कराए जाते हैं उसकी भी दूरी काफ़ी अधिक होती है, उसके लिए हमें मैन पावर की भी बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे प्रिंसिपल सर ने और हमारे कोविड वार्ड के SIC डॉक्टर सुधीर राठी के प्रयास से एक ई रिक्शा एम्बुलेंस हॉस्पिटल के लिए मंगाई गई है, जिसपे हम मरीज को विद ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बहुत ही कम समय में और केवल एक वार्ड बॉय के द्वारा मरीज को हॉस्पिटल के किसी भी वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। सीटी एमआरआई की जांच के लिए भी हम मरीज को बहुत ही कम समय में वहां पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।